जी पूरी स्थितियां साफ होती जा रही हैं, अभी तक आप किस कंफर्मेशन पर अपने आप को सेटिस्फाई मान रहे हैं कि आपके पास क्या चीज कंफर्म आ चुकी है जो आपकी बातचीत हुई हो? मेरी कोई बातचीत तो अभी हुई नहीं है, उससे 25 जब से सगाई की है, निकाह किया, तब से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है उससे। लगातार वहां से जो वीडियो आए, जो हालात सामने आए, उनको लेकर के उन्होंने कोई क्लेरिफिकेशन, बच्चों से बातचीत के प्रयास या आपसे कोई बातचीत का प्रयास? नहीं, बच्चों से भी नहीं हुआ प्रयास, ना हमारे से हुआ कोई प्रयास। वहां से किसी अथॉरिटी का फोन आपके पास आया? नहीं आया मेरे पास अभी तक कोई। यहाँ से इंडियन अथॉरिटी से आपके पास कोई कॉल आया हो कि आपकी कोई डिमांड इस मामले को लेकर के, अब जो पूरा घटनाक्रम रहा है, क्योंकि बार बार बयान बदले जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं शादी नहीं हुई नहीं है, निकाह हुआ नहीं है, कभी नाम बदला नहीं गया है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। निकाह तो हो चुका है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। यहाँ भी जब अंजू थी तो झूठ पे झूठ बोल रही, अब कैसे वीजा बनवाई, कैसे क्या करवाई, मेरे को खुद नहीं पता कौन वेरिफिकेशन किया, मेरे को कोई साइन भी नहीं है, मैं तो कभी दिल्ली गया भी नहीं मेरे को लेके। सभी हालात भी आज आपके साथ बीत रहे हैं, उसका सबको सभी को दर्द है कि ये आज आपके साथ हुआ है। क्या आगे का आपका स्टेप आपने सोचा हुआ है? क्या कोई लीगल कार्रवाई पे आप जाएंगे? कैसे वो आती हैं तो अपना दावा भी पेश करेंगे, भाई मैं अभी पत्नी हूँ आपकी? वो तो मेरी पत्नी है, बिना तलाक के कैसे कर सकती है सारी? मैंने तो तलाक भी दिया भी नहीं है, उसने वहाँ बताई है कि मैंने तलाक का कागज दिल्ली में दे रखी है 3 साल से। तो क्या आप, मेरे पास तो कोई साइन नहीं है। कोई संबंध आया था कोर्ट की तरफ से कि कोई डिवोर्स के लिए? नहीं, कोई आया नहीं है मेरे पास संबंध कोई तलाक के कागज के लिए। क्या स्टेप आपका रहने वाला है आगे? आगे ये रहना है कि वो जितने पासपोर्ट वीजा है इनके सब जब्त कर लिया जाए, और वीजा के जिसके थ्रू आया है, मेरे तो कोई साइन नहीं है, ना मैं कभी दिल्ली गया हूँ वीजा के अप्लाई के लिए, ना मेरा कोई साइन है, वो कैसे वीजा बना, क्या हुआ, वो इसकी जानकारी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, सरकार से मेरा यही दरख्वास्त है। किस तरह की जांच आप चाह रहे हैं अभी? कि क्या कोई डाउट है कि क्या नसरुल्ला भी यहाँ आया हो इंडिया तभी? पता नहीं इंडिया आया कि नहीं आया, मगर साइन तो मेरा भी तो होना चाहिए, जिस हिसाब से वीजा पर साइन होता उस हिसाब से वीजा तो अप्लाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट की एजेंसी से आपका सवाल है कि जो इस तरह का जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार की गई, आपकी जानकारी कभी आपको नहीं मिली? नहीं मिली इसकी जानकारी, वीजा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। मानते कि कहीं ना कहीं इसमें एजेंसी की भी कहीं ना कहीं कमी रही है, जो आपके तक जानकारी नहीं आई, आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? क्या पता बीच से ही जानकारी हमारी हटा दी गई हो। तो क्या आप मांग करते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मैं कहता हूँ कि वीजा की छानबीन की जाए दोबारा से। इनके पिताजी का बयान आया कि वो पहले से ही मेंटली डिस्टर्ब थी, क्या कभी कोई आपके इतना लंबा शादी के बाद आप रहे हैं साथ, कोई ऐसे डिस्टर्बेंस आपको दिख रहा है? थोड़ा काम के लिए वो टेंशन में तो हो जाती थी, माइंड सब हो जाता था, मगर मैंने इतना बड़ा कदम नहीं सोचा था कि वो उठाई। मगर जो चीज़ को ठान लेती है ना जीत पे कि ये करना है तो यही करना है, वो कर लेते हैं। हाँ, आपकी शादी जो हुई थी, क्या पहले मुलाकात हुई थी या सीधी अरेंज मैरिज हुई थी? नहीं, परिवार के संबंध में थी? परिवार के संबंध में ही हुई है सारी सारी आपकी शादी। तो शादी के बाद अगर कोई जानकारी, तो आपकी कोई बातचीत उनसे हुई है? शादी के बाद तो हमेशा हमारी बातचीत होती रहती है। कैसा बिहेवियर रहा उनका इस दौरान अभी जाने से पहले? बच्चों का व्यवहार बहुत अच्छा था, बर्गर खिलाती थी, बहुत कुछ खिलाती थी बच्चों को। उन्होंने अभी भी वहाँ पर पाकिस्तान मीडिया के सामने दावा किया है कि बच्चों से मिलने जाऊंगी, उन्होंने बच्चों से मिलने का अधिकार है, मिलना भी है उन्हें। बच्चे तो मना कर रहे हैं मिलने के। अंजू ने लगातार अभी ये कहा है, नसरुल्ला ने भी एक इंटरव्यू में ये कहा है कि हमने कोई शादी नहीं की है, वो सिर्फ दोस्त है। जो वीडियो वायरल हुआ है वो एक सिर्फ कॉमन एक प्री वेडिंग स्टाइल में, वो एक यूट्यूबर है उसने शूट किया है, तो कोई शादी जैसी बात नहीं है। अगर उन्होंने शादी नहीं की हो बच्चों से, आपसे प्रेम हो, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे आने के बाद? भाई उसको आने के बाद ना मैं नहीं करता उस पर, बच्चे बताएंगे, बच्चे करेंगे, बच्चे तय करेंगे। अगर बच्चे कह देंगे हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आपकी बात? मेरी बेटी तो बड़ी वाली मना कर रही है सीधा। एजेंसीज को लेकर कोई आपका कोई गुहार है क्या कि एजेंसी इसके संबंध में जांच करें? उसी की जानकारी, वीजा के बारे में जानकारी है कि जांच करें, और डॉक्यूमेंट्स क्या लगा है उसकी जांच करें। बात है कि ये भी निकल कर आ रही है कि जो उसने एमपी का जो सर्टिफिकेट उसमें 10th प्लेयर का लगाया है वो भी फर्जी है। अब इसके बारे में पता नहीं है तेन का कैसे बनवाया, क्या फर्जी करे हो। आपका एक वीडियो हमारे पास भी आया था सोशल मीडिया में था, जो आपकी उनसे बातचीत थी कि उन्होंने कहा था मेरे दस्तावेज सभी संभाल के रखे गए, तो क्या वो दस्तावेज से आप संभाल के रखने की कही गई है? कही गई है, मगर मेरे को पता नहीं है वो कहाँ रखा गया है, मैं खुद परफॉर्म में नहीं हूँ उसमें, पता नहीं। जाँच की तो घर पर आपको कोई दस्तावेज नहीं अभी मिली नहीं है मेरे को, मैं खुद ढूंढने के चक्कर में हूँ। स्थानीय पुलिस या स्थानीय प्रशासन भी आपके पास आया है किसी तरह की इंक्वायरी की है? क्या मदद आप सरकार और प्रशासन से चाहते हैं, क्योंकि अभी आपकी नौकरी भी डिस्टर्ब है, बच्चे भी अभी डिस्टर्ब हैं,
हालात अभी सामान्य हुए नहीं है, क्या उम्मीद आप सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं? मैं तो सरकार से यही कहता हूँ, बच्चे मेरे पास रहें, वीजा और पासपोर्ट उसका रद्द कर दिया जाए, उसको जाने नहीं दिया जाए। स्थानीय लोग भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि हम अंजू को नहीं आने देंगे यहाँ पर अगर पाकिस्तान से आती है, क्या आप स्थानीय लोगों के साथ हैं? आने तो की बात अलग है, पहले आए तो इंडिया में अगर आएगी तो क्या आप स्वीकार करेंगे? स्वीकार नहीं करूंगा मैं, स्वीकार करने के लिए मैं नहीं कर रहा। अगर आती है तो उनसे आपके क्या क्या सवाल होंगे और किस मुद्दों पर आप उनसे बातचीत करेंगे वो साफ कर दे। मैं तो पहले मुद्दे पे ये बात करूंगा कि तुमने वीजा कैसे बनवाया, मेरे को तो बताया नहीं, ठीक है, क्या तुमने कैसे किया, कहीं फर्जी साइन तो नहीं मारी, कहीं कुछ तो किया, मेरे तो कोई साइन है नहीं। क्या लगता है कि उसको यहाँ कोई सहयोगी भी हो सकता है क्या? क्या कभी कोई मनमुटाव की बात, कभी छोटी मोटी बात रही हो, कभी आपसे उन्होंने शेयर की हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती? नहीं, वैसे तो कोई बोलती नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो बोल देती है मजाक में, बोल देती है हमें नहीं रहना, मैं मजाक ही सोचूंगा। अरविंद जी, इतनी बड़ी प्रक्रिया फॉलो की गई, आपको लगता है अकेले फॉलो की गई है या कोई उसका सहयोगी भी यहाँ हो सकता है? ये पता नहीं है, वो एक जाती थी, मैं उसको फोन करता था 9 बजे रात तक, अरे आ जा कहाँ है। एक तीखा सवाल आपसे थोड़ा सा कर रहा हूँ, आपने तो साले साहब ने डेबिट लगातार बीच में चर्चाएं आई कि उन लोगों को मुंह से, यानी आपके ससुराल पक्ष को पता था कि ये सारा स्टेप चल रहा है, कहीं जा रही है आ रही, क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, मेरे डेविड को, उसके घरवाली को पता था, भी छुट्टी करके जाती थी। नहीं, पाकिस्तान जाने का पता था क्या ससुराल पक्ष को? ये मेरे को नहीं पता, वो तो मेरे पास संडे को फोन आया कि मैंने सबको बता दिया है। अब आगे की कानूनी कार्रवाई आप, अगर कोई आती है अपनी, क्या कानूनी कार्रवाई आप करने के प्रयास करेंगे या अपनी मेन जो उनसे बात है वो क्या लेना चाहेंगे? अभी मैं तो यही आमने सामने यही बोलूंगा, भाई मैंने तुम्हें तलाक कब दिया, ठीक है, तुमने दिल्ली में 3 साल पहले कहाँ जमा किया है? मैं तो दिल्ली गया भी नहीं हूँ अभी, और ना मेरे पास कोई आया है कागज। तो क्या आप कोई एफआईआर वगैरह दर्ज कराएंगे उसके खिलाफ? उसके बाद जब आएगी तब मैं एफआईआर दर्ज करूँगा।